हमारे साथ रहें। कार्यशाला की अवधि जो है वो 3 से 3.5 घंटे तक रहती है और लास्ट के डेज में थोड़ा सा समय और स्ट्रेच हो जाता है, जबकि कुछ पेरेंट्स को बीच में ये भी शिकायत होने लगी थी कि ये तो ज़्यादा नहीं हो गया। अरे मैंने कहा ये देखो कि ये बच्चे हमें छोड़ना ही नहीं चाहते, ये हमसे जाना ही नहीं चाहते, तो थोड़ा सा जो उनका कम्फर्ट जोन था उसको हमने स्ट्रेच किया। उनके अंदर एक जिसको कह सकते हैं एंड्योरेंस की जो पावर है उसको बढ़ाया है, वो बढ़ी भी है लगातार। जैसे मॉर्निंग का सेशन है, हमने इनके शरीर के ऊपर भी काम किया, इनके मन के ऊपर भी काम किया, योग और अन्य एक्सरसाइजेस के साथ सेशन की ओपनिंग हमने सुबह की। उसके बाद हमारी परफॉर्मिंग आर्ट की हर विधा, इसमें डांस भी है, म्यूजिक भी है, एक्टिंग भी है, इन सभी पहलुओं पर, इन सभी तत्वों का समावेश करके इस वर्कशॉप को डिजाइन किया गया। और ले देके इनकी ये मेहनत आज आपके बीच प्रस्तुत है। नाटक का नाम आईना है, ये कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये बच्चों का ही विषय है और बच्चों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। एक एंगल है जिसमें कि परस्पर बच्चा और उसके अभिभावक एक दूसरे के आईने के रूप में एक दूसरे को देख कैसे देखते हैं, उनका आपस में दृष्टिकोण एक दूसरे को देखने का कैसा है, ये विषय है इसका। और ये लेखन स्क्रिप्ट का जिसको मैं बताऊं, हम लोगों की लगातार डिस्कशन हुई और डिस्कशंस के बाद ये पूरा का पूरा नाटक इवॉल्व हुआ और इवॉल्व होते 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 इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको भी, मैं सभी से इंतज़ार है कि नाटक कब शुरू हो, तो मैं नाटक और आपके बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहूँगा। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों का तालियों से इनकी हौसला अफजाई आप ज़रूर करते रहें बीच में।